वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ माय चैनल लर्न विद स्टडी। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 23। इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 22 तक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ और टोटल 230 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो जो लोग नहीं देखे हैं, इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। इस टॉपिक से टोटल 340 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 231 to 240 तक के सॉल्यूशन। देखिए, प्रीवियस ईयर सीरीज में ऑलरेडी 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर सिस्टम 413 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया हूं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 35 वीडियो में। परसेंटेज 314 क्वेश्चन कंप्लीट कराया हूं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25 वीडियो में। एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन 268 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 27 में। और ये पूरी तरह से क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है टॉपिक। तो अगर आप इन तीनों टॉपिक को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहां पे इसकी फोल्डर बनी होगी, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो का भी टारगेट है 500 लाइक का। अगर आप ये कर देते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड है। और अगर आपको जेन्युइन हेल्प मिलता है इस वीडियो सेशन से तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आपको रेगुलर वे से वहां पे आपको लिंक मिलता रहे। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 231। देखिए क्या कहा गया है, ए वेंडर लॉस द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंज हिज लॉस परसेंटेज। कहा जा रहा है एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो उसकी प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल एलडीसी के पेपर में 2013 में पूछा गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैंने करने का प्रोसेस बताया था, 36 सेलिंग प्राइस बेचना है 36 संतरा, तो मैंने बताया था कि 36 सीपी मान लो और 36 एसपी मान लो। अब क्या कहा गया, लॉस, देखिए लॉस कितने का हो रहा है, लॉस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 4 ऑरेंज सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंज यानी कि 4 एसपी के बराबर लॉस हो रहा है। और लॉस होता क्या है, सीपी माइनस एसपी, तो सीपी 36 सीपी माइनस 36 एसपी। क्यों, क्योंकि लॉस आप पढ़े हो, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये लॉस हो गया, क्रय मूल्य कितना था इतना और विक्रय मूल्य कितना था इतना, यानी सेलिंग प्राइस इतना, कॉस्ट प्राइस इतना और सेलिंग प्राइस इतना। और लॉस किसके बराबर है, 4 एसपी के यानी 4 सेलिंग प्राइस। अब देखिए ये 36 सीपी को ऐसे ही रहने देता हूं, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 40 एसपी। अब मैं यहां से क्या करने वाला हूं, देखिए ध्यान से, यहां से एसपी अपॉन सीपी निकाल दूं तो एसपी अपॉन सीपी निकालूंगा तो क्या हो गया, 36 अपॉन क्या हो गया, 40। यानी 40 की चीज को उसने क्या खरीदा, 36 में, यानी कितने का लॉस हुआ उसको, 4 यूनिट का। परसेंटेज में निकालना है तो क्या होगा, सीपी, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है, सीपी पे। परसेंटेज में करने के लिए 100, यानी ये 10 और 10 से कट गया, यानी कितना हो गया, 10% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप चाहते तो यहाँ पे एसपी अपॉन सीपी आया था हमारा 36 अपॉन 40, यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते थे, 4 9 36 4 10 40, एक यूनिट का लॉस किस पे, सीपी पे इंटू 100, तो यहाँ से भी आप 10% लिख सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 232। और ये क्वेश्चन एलडीसी 2015 में पूछा गया है। देखिए क्या कहा गया है, इफ बनाना आर बॉट एट द रेट ऑफ 4 फॉर ए रुपीज, हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर ए रुपीज सो डेट टू गेन इतना परसेंट। देखिए क्या कहा गया है, सिंपल क्वेश्चन कहा गया है कि 4 आर्टिकल को बेच रहा है, 4 आर्टिकल को खरीद रहा है 1 रुपए में, तो 1 आर्टिकल को कितने में खरीदेगा, 1/4 रुपीज में। ये क्या हो गया, सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल। सीपी तो आया किसका, 1 आर्टिकल का, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी मस्ट बी सोल्ड फॉर ए रुपीज सो डेट गेन इज इतना। उसको गेन हो रहा है 33 सही, 1/3%। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/3। अगर 3 सीपी है, प्रॉफिट 1 का हुआ, सीपी 3 यूनिट, प्रॉफिट 1 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4 यूनिट।
और 3 यूनिट सीपी है, और यहाँ पे सीपी कितना है, एक आर्टिकल का इतना, यानी 3 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1/4 रुपीज। हमें उसको क्या करना है, बेचना है, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/12 रुपीज, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4/12 रुपीज। 4/12 का मतलब 1/3 रुपीज। ये क्या आया, सेलिंग प्राइस आया, लेकिन एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था, तो ये क्या आया, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 1 रुपए में वो कितना आर्टिकल बेच सकता है। देखिए ध्यान से, 1/3 रुपए में वो कितना आर्टिकल बेच रहा है, वन आर्टिकल बेच रहा है। देखो 1/3 रुपए में वो क्या कर रहा है, एक आर्टिकल बेच रहा है, तो 1 रुपए में कितना आर्टिकल बेचेगा, 1/1/3, यानी 3 ऊपर चला गया, 3 × 1, डेट मीन्स 3 आर्टिकल बेचेगा। और यही क्वेश्चन पूछा गया कि 1 रुपए में वो कितना आर्टिकल बेचेगा, तो 3 आर्टिकल बेचेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप क्वेश्चन को करने का तरीका पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 233। ये क्वेश्चन भी एलडीसी 2015 में पूछा गया है। क्या कहा गया, बाय सेलिंग 12 kg पोटैटोज फॉर 63, ए शॉपकीपर गेन 5%, व्हाट डज हिट गेन और लॉस परसेंट बाय सेलिंग 50 kg ऑफ द सेम पोटैटो फॉर इतना रुपीज। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा गया है कि 12 kg पोटैटो बेचता है, तो कितने में बेच रहा है, 63 रुपए में, तो 1 kg पोटैटो कितने में बेचेगा, 63/12 रुपीज, 63/12 रुपीज, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ किसका, 1 kg का। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अब ध्यान से देखिएगा, उसको क्या हो रहा है, 5% का गेन हो रहा है ऐसे करने पे, 5% का मतलब 1/20। अगर सीपी इतना है, गेन कितना का हुआ, 1 यूनिट का, ये क्या है, गेन है, प्लस मैंने डिनोट क्या किया है, गेन के लिए। देखिए ये क्या है, 1/20, 5% की वैल्यू, गेन का मतलब प्लस, यानी सीपी अगर 20 यूनिट है, प्रॉफिट 1 यूनिट का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 21 यूनिट। ये सेलिंग प्राइस 1 kg का है, ये इसके इक्वल करूं, 21 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 63/12 रुपीज के बराबर। तो अगर मैं काटूं तो 21 × 63 डायरेक्टली काटूं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी कट जाएगा, तो 1/4 रुपीज, 1/4 रुपया आया। ये क्या आया, अब ध्यान से देखो, ये आया जो 1 यूनिट की वैल्यू। अब यहाँ पे हमें समझना है, तो हम पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लें, कॉस्ट प्राइस 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 20 × 1/4, यानी क्या हो गया, 5 रुपया। 5 रुपया आया किसका, सीपी ऑफ 1 kg, क्योंकि हमने 1 kg का सेलिंग प्राइस था, तो हमने कॉस्ट प्राइस क्या निकाला, 1 kg का, हमें सीपी मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया 1 kg का, 5 रुपए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब उस वो बेच रहा है, तो 50 kg को सेलिंग प्राइस, वो बेच रहा है तो 50 kg को कितने में बेच रहा है, 247.50, तो 1 kg को कितने में बेचेगा, 247.50/50। अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा, 4.95 रुपीज। देखिए ध्यान से, 1 kg का कॉस्ट प्राइस मिल गया, 1 kg का सेलिंग प्राइस कितना है, 4.95 रुपीज। तो बताओ उसको लॉस होगा कि प्रॉफिट, लॉस होगा, 5 में खरीदा, 4.95 में बेचा, कितने का लॉस हुआ, 0.5 का लॉस हुआ, आउट ऑफ किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, आउट ऑफ 5 है ना, यहाँ पे 0.50 का लॉस हुआ। देखिए यहाँ पे एक मिनट, देखिए यहाँ लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, 5 − 4.95 यानी 0.05 का लॉस हुआ। लॉस परसेंट निकालना है, तो 0.05 का लॉस किस पे, सीपी पे, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 5 नीचे गया, डेसिमल होके 100 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी उसको 1% का क्या हुआ, लॉस। 1% लॉस कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन को आसानी से बना लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 234। देखिए 234 क्वेश्चन क्या कहा गया है, बाई सेलिंग 40 वॉच ऑफ इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस एट द रेट ऑफ इतना,
देयर इज ए प्रॉफिट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइज ऑफ फोर वॉच. देखिए ध्यान से, सेलिंग उसको 14 क्या कर, चलो हिंदी में भी समझा देता हूँ. द कॉस्ट प्राइज ऑफ ए वॉच इज समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को इतना रुपए में की दर से बेचा गया, 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है. तो एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो. तो सिंपल क्वेश्चन हम बना लेते हैं इसको किस तरह से, ध्यान से देखिए. 14 वॉच सेलिंग, बेचना क्या है 40, 14 घड़ी, तो मान लेते हैं 14 सीपी और 14 एसपी, क्योंकि बेच जितना बेचेगा उतना ही खरीदा होगा, उतना ही बेच रहा है. ये मैंने तरीका बताया हूँ, आप जब शुरुआत से फॉलो कर रहे होंगे, अभी तक 231 क्वेश्चन देख रहे होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट किसके इक्वल है, प्रॉफिट इज इक्वल टू है कॉस्ट प्राइज ऑफ फोर आर्टिकल, यानी कि 4 सीपी के इक्वल है. और प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी. एसपी कितना है 14 एसपी माइनस 14 सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट किसके बराबर है 4 सीपी. अब यहाँ पे मैं रहने देता हूँ 14 एसपी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 18 सीपी. 14 वॉच को किस रेट से बेच रहा है, एसपी सेलिंग प्राइस 450 के हिसाब से, इज इक्वल टू 18 इंटू सीपी. अब ध्यान से देखिए, तो सीपी क्या हो गया 14 इंटू 450 अपॉन 18. अब मैं इसको किस तरह से सोल्व करूंगा देखिएगा ध्यान से. अब मैं इसको करने जा रहा हूं, तो 9 से काटू, 9 दुनी 18, 9 पांचे 45, 2 से 2 सातें 14, यानी सीपी कितना हो गया 350 रुपए. यानी वो क्या करेगा, उसकी घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, एक घड़ी का 350 रुपए. ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 235 क्वेश्चन कहा गया, एसएससी सीजल प्री 2016 में पूछा गया है. देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन को आसानी से आप करना चाहें तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं. देखिए ध्यान से, बाई सेलिंग एन आर्टिकल 390 ए शॉपकीपर गेन 20%. देखो तो खुद सोचो, इसको सबसे बेटर तरीका बनाने का, 20% का गेन होगा तो बेचेगा कितना में, 120% में. 120% की वैल्यू कितना दिया गया 390 के बराबर, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 39/12. हमें क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या होगा अपने आप में 100%. 100% की वैल्यू 100 इंटू 39/12. अगर मैं 3 से काटूं तो 3 चौके 12, 13 तिया 39, 4 से कितना हो गया 25. अब हमारे पास आया 25 इंटू 13. अब देखिए ध्यान से, 25 इंटू 13, जैसे ही यूनिट डिजिट यूज करूंगा 5 इंटू 3, लास्ट में आना चाहिए 5, लास्ट में सारे के जीरो हैं, ये तीनों नहीं हो सकते. आंसर कितना हो गया इतना. अगर मल्टीप्लाई भी करना है तो आप 25 में 10 का मल्टीप्लाई कर लो 250, और 25 में 3 का 75, 250 और 75 कितना हो गया 325. तो ये तरीका आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो. अगर आप इसके दूसरे मेथड से जाना चाहो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो. देखो 20% गेन का मतलब 1/5, गेन का मतलब प्लस, यानी सीपी 5 यूनिट, प्रॉफिट 1 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस कितना यूनिट हो जाएगा आपका 6 यूनिट. सेलिंग प्राइस किसके बराबर है 390 के बराबर, तो ये सेलिंग प्राइस कितना यूनिट है 6 यूनिट. 6 यूनिट की वैल्यू 390 रुपीज के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 390/6. तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू 390/6 × 5. मैं कैंसिल करूं तो 6 × 36 अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 25, 6 × 5 = 30, 30 × 2 = 32. तो आप इस तरह से भी कर सकते थे तो भी आपका आंसर आ जाएगा. अगर एक और तरीका करना है तो भी कर सकते हो. कॉस्ट प्राइस लेट सपोज सीपी है, उसका 120% गेन हो रहा है, यानी बेचा कितने में 120/100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 390. 10 से 10 कैंसिल, तो 3 × 4 = 12, 13 × 3 = 39. अब सीपी क्या हो गया 130 × 10/4. अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 2, और इधर कितना हो गया 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, इधर क्या हो गया 5, तो भी सीपी कितना आएगा 325. तो ये मेथड 3 हो गया. आपको करने का तरीका आना चाहिए, चाहे कोई भी मेथड से जाओ. ये प्री एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीएल में, आप बना सकते हो. इसका आंसर क्या हो जाएगा इतना. चलिए 236 क्वेश्चन पे आते हैं. 236 क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा आप.
देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए मैन बाई 12 आर्टिकल एट 12 रुपीज एंड सेल देम एट द रेट ऑफ इतना रुपए पर आर्टिकल हिज गेन इज। देखिए 12 आर्टिकल को खरीद रहा है 12 रुपए में, तो एक आर्टिकल को कितने में खरीदेगा, 12/12 यानी 1 रुपए में। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक आर्टिकल, और बेच रहा है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या है 1 रुपए एक आर्टिकल का, सेलिंग प्राइस क्या है एक आर्टिकल का पर आर्टिकल, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है 1.25 रुपीज। तो उसको गेन परसेंट निकालना है, बताओ 1 रुपए खरीदने की प्राइस है, 1.25 बेचने की, कितना का गेन हुआ 0.25 का, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। परसेंटेज में करने के लिए क्या करें 100 से मल्टीप्लाई, यानी इसको मैं करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 25 तो रहेगा ही, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, यानी उसको क्या हुआ 25% का गेन हुआ यानी कि प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 237। देखिए 237 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ए ट्रेडर बॉट 10 kg एप्पल फॉर इतना, आउट ऑफ विच 1 kg एप्पल वेयर फाउंड टू बी रूटेन, इफ विशेस टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%, व्हाट रेट शुड ही सेल रिमेनिंग एप्पल पर केजी। कहा गया है कि कोई एक व्यापारी है, उसने 405 रुपए में 10 किलोग्राम सेब खरीदा, लेकिन उसमें से 1 किलोग्राम सेब सड़ा हुआ था, यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे सेवों की प्रति किलोग्राम किस रेट से बेचना चाहिए। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को करने का देखिए तरीका, खुद सोचिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। देखिए ध्यान से, 10 kg एप्पल का कॉस्ट कितना था, 405 रुपए में लाया था, लेकिन 1 kg क्या हो गया, सड़ गया, 1 kg उसमें से क्या हुआ था, सड़ा हुआ था, 1 kg सड़ा हुआ था, यानी कि उसने दिया पैसे कितने, 9 kg का ही 405 रुपए उसने दे दिया ना, यानी उसने एक्चुअल में, आप खुद सोचो 10 kg लाया और 405 रुपए में, लेकिन 1 kg क्या हुआ था, सड़ा हुआ था, यानी उसने पैसे जो दिए 9 kg के ही, सड़े हुए के पैसे थोड़े ना आप दोगे, सड़ा हुआ आम थोड़े ना लोगे और उसके पैसे दोगे, सिंपल सा चीज है, या सड़ा हुआ सेब, तो 9 kg की वैल्यू, और अगर ठीक है लाभ ही दिया 10 kg, 1 kg सड़ा हुआ है, अगर बेचोगे तो सड़ा तो नहीं बेचोगे ना, 9 kg ही बेचोगे, तो 1 kg की कॉस्ट प्राइस निकाल दें, 1 kg की कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 405/9 यानी कि कितना हो गया 45 रुपए, ये क्या है कॉस्ट प्राइस। अब इसी को बेचेगा ना उसने, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे समझने वाला आगे पॉइंट क्या है, अब उसको जब बेच रहा है वो चाहता क्या है 10% का प्रॉफिट हो, सीपी 45 रुपए, 45 का 10% 10/100 यानी क्या हो गया 4.5, यानी ये वो चाहता है कि इतना प्रॉफिट कमाए, यानी बेचेगा कितना सेलिंग प्राइस 45 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस था प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, तो सीपी 45 और 4.5 यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया 49.5, यानी वो 1 kg को किस हिसाब से बेचेगा 49.5 के हिसाब से बेचेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, अगर आप क्वेश्चन को आसानी से करो तो, ये क्वेश्चन SSC CGL के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 238। देखिए 238 क्वेश्चन क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, 12 कॉपी ऑफ ए बुक वेयर सोल्ड ₹1800, देयर बाय गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कॉपी ईच। कहा गया एक किताब की 12 प्रतियां ₹1800 में बेची गई, जिसमें जिससे 3 प्रतियों का लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक प्रति का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया ना, 12 कॉपी क्या किया उसने, खरीदा बेचा, यानी 12 कॉपी खरीदा, 12 सीपी 12 एसपी, ऐसे लिखने तरीका बता चुका हूँ। गेन यानी कि प्रॉफिट हुआ उसको कितना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपी यानी 3 सीपी का। प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है SP माइनस CP, यानी 12 SP माइनस 12 CP इज इक्वल टू क्या, प्रॉफिट 3 CP। अब मैं इसको इधर 12 SP को ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो कितना हो गया 15 CP। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए,
तो 12 इंटू सेलिंग प्राइस कितना है, वो बेच रहा है 12 कॉपियों को 1800, इज इक्वल टू 15 इंटू सीपी। तो सीपी मैं निकाल दूं, आपको पता होना चाहिए, मैथ के स्टूडेंट हो तो 15 इंटू 12 होता है 180। तो 15 इंटू 12 यानी यहाँ पे 12 तो हो गया 120, यानी सीपी कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 1440। ये कॉस्ट प्राइस 1440 तो आया, लेकिन कितने का आया, 12 कॉपी का, क्योंकि हमने 12 कॉपी का सेलिंग प्राइस ये था, तो 12 कॉपी का कॉस्ट प्राइस लिख लेगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कॉपी, एक कॉपी का कॉस्ट प्राइस, 12 कॉपी का कॉस्ट प्राइस कितना है 1440 रुपये, तो एक कॉपी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 1440/12 यानी कि 120 रुपये। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 239, देखिए क्वेश्चन नंबर 239 क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ए बुक सेलर बॉट 200 टेक्स्ट बुक फॉर इतना रुपीज, 200 टेक्स्ट बुक लिया वो कितने रुपए में लाया, बेच, ए बुक सेलर बॉट लाया कितने में, 12,000 रुपए में। तो बताओ एक टेक्स्ट बुक कितने में लाया होगा, एक टेक्स्ट बुक 12,000/200 यानी कैंसिल, ये कितना हो गया, यानी 60 रुपए में वो एक टेक्स्ट बुक लाया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। He wanted to sell them at a profit so that he got 20 books free. At what profit percent should he sell them? कहा जा रहा है कि 1200 रुपए में कितना, 200 पाठ पुस्तक क्या कर रहा है, खरीद रहा है। वह पुस्तकों को इस प्रकार बेचना चाहता है कि 20 पुस्तक उसे मुफ्त मिल जाए, यानी कि he wanted to sell them at a profit of he got 20 books free. अब बताओ एक टेक्स्ट बुक 60 रुपए की है, वो चाहता है कि 20 बुक्स मेरे को फ्री में मिल जाए, इतना प्रॉफिट कमा लूं। तो 20 टेक्स्ट बुक्स की कीमत कितनी हो जाएगी, 20 × 60 यानी वो 1200 रुपए का क्या चाहता है कि अगर वो बेचे तो 1200 रुपए का उसको प्रॉफिट मिले, 1200 रुपए का प्रॉफिट मिले। तो कितने के कितना परसेंट के हिसाब से बेचेगा, कितना परसेंट प्रॉफिट के हिसाब से बेचेगा, खुद सोचो। 12,000 रुपए दे के आया था, इसका कितना परसेंट निकालें कि 1200 हो जाए, यानी अगर मैं 10% निकालूं तो आपको 1200 रुपए आ जाएगा, 1200 का प्रॉफिट आ जाएगा, यानी वो 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। ऑप्शन क्या है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसे निकाल लेते, 12,000 का एक्स परसेंट यानी एक्स बाई 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट, उसको कितना चाहिए 1200, तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 120 से यहाँ 10, यानी x क्या आ गया 10% उसको। तो आपको क्वेश्चन का करने का तरीका पता होना चाहिए, किसी तरह आपने निकाल सकते। तो उसने 10% के प्रॉफिट के हिसाब से बेचा तो उसको 1200 रुपए क्या कर लेगा, वो कमा भी लेगा, यानी 20 बुक्स उसको क्या मिलेगा, फ्री में मिलेगा। तो ये था 239। चलिए 240 क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इफ ए सेल टैक्स रिड्यूस बाई फ्रॉम इतना टू इतना, What is the difference does it make a person who purchase an article whose mark price is इतना। कहा जा रहा है एक व्यक्ति की कर को इतना से घटाकर इतना कर दिया जाए तो इससे एक व्यक्ति पर क्या अंतर पड़ेगा जो 2400 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका, reduction in ST मतलब सेल टैक्स। बताओ पहले कितना था, रिडक्शन इन सेल टैक्स मतलब कितने की कमी आई, पहले 3 से ही इतना परसेंट, यानी 3 × 6 = 7 7/2% माइनस, पहले इतना था अब घट के इतना हो रहा है, यानी कि तितली के 9 × 10 10/3%, यानी कितने का डिफरेंस आया। अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना हो गया 6, तो 21 माइनस इधर 3 × 6 यानी 20, इतना परसेंट हो गया, यानी कि 1/6% की क्या हो गई, उसको फाइनली रिडक्शन हो गया सेल टैक्स में, यानी 1/6% यानी परसेंटेज का मतलब डिवाइड बाय 100 यानी कि 1/600 का उसको क्या हो गया रिडक्शन। उसका मार्क प्राइस कितना था 8400, उसको कितना परसेंट का डिफरेंस आ गया, यानी 8400 का 1/600 यानी कैंसिल, यानी कितना 14 रुपए का उसको क्या होगा डिफरेंस आएगा
अगर सेल टेक्स्ट इतना से इतना डिक्रीज हो रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने क्या किया, 231 से 240 तक के क्वेश्चन को हमने बहुत ही इजीली वैसे देखा, चाहे वो प्री के क्वेश्चन हो चाहे मेंस के क्वेश्चन हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। देखिए मेरे दो कोर्सेस पेड कोर्सेस हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स की रीजनिंग कोर्स की फी है 300 रुपीज और आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो। CGL, CPO, CHSL और MTS सारे एग्जाम इसमें कवर्ड हो जाएंगे। एज वेल एज अगर जो लोग RRB, NTPC का भी प्रिपरेशन करें तो उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। 100+ वीडियो लेक्चर्स हैं इसमें, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों सेक्शन हैं, PDF नोट्स भी मिल रहा है और PDF प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। और जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो क्या हैं, बाइलिंगुअल हैं। बाइलिंगुअल का मतलब क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। जनरल साइंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिस कोर्स की फी है 499 और ये भी आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। आफ्टर डेट आपको प्रैक्टिस सेशन भी मिलेगा एंड ये भी कोर्स क्या है, बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और इसमें तीनों सब्जेक्ट ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कॉन्सेप्ट के साथ कराए जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने डेमो लेक्चर्स बहुत सारे आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। अब बात आती है, आपने कोर्स के बारे में जान लिया, आप कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए आपको कोर्स ज्वाइन करने के 3-4 प्रोसेस हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। आप पेटीएम ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे आपको पेटीएम ऐप्स नंबर भी गिवन दिया गया, इसके थ्रू भी पे कर सकते हो। गूगल पे तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, ये मेरा गूगल पे ऐप नंबर दिया गया है। फोन पे ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो, यहाँ पे मेरा फोन पे ऐप्स नंबर भी गिवन है। अगर आप अकाउंट नंबर के थ्रू पे करना चाहते हो तो यहाँ पे मेरा सारा अकाउंट डिटेल्स दिया गया, आप इसके थ्रू भी पे कर सकते हो। अब पे करने के बाद आपको कोर्स कैसे मिलेगा, तो आपको पे करने के बाद पे स्लिप की स्क्रीनशॉट आपको इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप इस कोर्स को पूरा का पूरा एक्सेस कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को इस टारगेट को तो आप अचीव कर दिया करो। अगर आपको जेन्युइन हेल्प मिलती है तो कमेंट जरूर किया करो कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, चाहे वो प्री के हों मेंस के हों बनाने में, तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।